आज घर पे खाना नहीं बना है, सिर्फ पकौड़ी बने है, चाय पकौड़ी खाएंगे। और दोनों जाने लगे हुए हैं चाय पकौड़ी के लिए। और किस किस की पकौड़ी है? आलू की, गोभी, रायता, गोभी की रायता, पत्ते वाली प्याज, अदरक, शिमला मिर्च, मंचूरियन। सब बोला जा रहा है कुछ नहीं। और बूंदी का रायता है कुछ नहीं, खाली चाय और पकौड़ी मिल गई। चाय के लिए दूध डालिया, चाय पकौड़ी खाएंगे, फिर काम पे लगेंगे। लाइट लगा की वैरायटी है ना। अब हम लोग तैयार हो गए हैं काम और निकल रहे हैं। मेन काम है लाइट लेना नहीं, लाइट को सेटअप करना, लगाना। तो चलिए लाइट लगाते हैं, तो देखते हैं कितनी देर में पूरा हो पाता है। पूरा छोटा गणेश लगा रहा है। चलिए एक तो काम हो गया, सेट हो गया, चलिए झालर लगाते हैं। दोस्तों बहुत ही ऊपर आ गया हूँ और यहाँ भी लाइट लगा रहा हूँ। तो अपने पास सारे सेम कलर के नहीं मिल रहा है, तो कॉम्बिनेशन बनाया। एक ब्लू, तीन ब्लू हैं एंड टू एंड, और दो रेड हैं। दोस्तों ये टेप लगाना बहुत ही मुश्किल काम है, यही 10th 12th में खूब मज़े से करता था मैं, अब कितना मुश्किल लग रहा है। तो अब टेस्टिंग का टाइम आ गया है, एक रो हमने कंप्लीट कर लिया। मैं जा रहा हूँ नीचे, ये तार भी जुड़ चुका है जो टेप लगा रहा था, और अब जाके मैं जला के देखूँगा। ना ना जला। टेस्टिंग का हमारा वो वाला तार काम नहीं कर रहा था, तो हम थोड़े से चिंतित हो गए थे कि कैसे चलेगा कैसे चलेगा। अब फाइनल टेस्टिंग की बारी है। भाग्यवश हमारे पास यहीं पे बटन मिल गया था, तो ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। 1 2 3 ओके। अब गिन लेते हैं बारी बारी से। ये वाला तार इट्स वर्किंग, ये ब्लू वाला नहीं कर रहा। इसका तार कौन सा? अच्छा ये यहीं पर लटक गया, इसको वहाँ पहुँचाना पड़ेगा, इसकी रिपेयरिंग करते हैं। ये वाला काम कर रहा है, ये भी कर रहा है, वो भी कर रहा है, ये भी, 1 2 3 4 5 उधर भी सारे कर रहे हैं, लेकिन छत पे चढ़ के देखूँगा। चलिए बंद करके ब्लू वाले को। दोस्तों ये वाली लाइन तो मैंने चेक कर ली सारी, ये सब जल रही है। अब मैं जा रहा हूँ ऊपर टेस्ट करने, इधर से ही कवर करेगा और यहाँ पे एक हीट रख देते हैं ताकि ये खींचे नहीं। 1 2 3 4 5 6 हो जल रही है। अब बस नीचे मुझे सेटिंग करनी है ताकि वो लटका ना ही रहे, और बाकी अपना काम हो गया। कपड़े उठा रहा हूँ मैं और उसको हटा के यहाँ पे ये जो तार लटके हुए हैं उनको सही करूँगा। दोस्तों ये है घर का फाइनल लुक, जो इतनी देर 2 घंटे मेहनत के बाद हो पाया। आप बताइए कैसा लग रहा है मेरा घर, पूरा ब्लू ग्रीन येलो सब, कैसा लग रहा है घर का लुक आप लोग बताइएगा। आप देख रहे हैं तार खुला हुआ है, तो इसमें एक सीरीज जल रही है और एक नीचे वाली ये नहीं जल रही है, ये वाली, तो उसका तार ये खुला हुआ है, तो इसको कल सॉल्व करेंगे। अब तो रात हो गई, ये वाला बल्ब जो है नहीं जल रहा, इसीलिए नीचे तक वो लाइट नहीं आ रही, पूरी सीरीज सही नहीं बैठ रही। सेम टू यू, हैप्पी दिवाली। सेम टू यू। आंटी भी इंग्लिश जानती हैं, आंटी भी इंग्लिश जानती हैं, इंग्लिश मीडियम में हम घास लेने नहीं, घास लेने जाते हैं तो वहाँ सब बोलते हैं सो अपना सीख ही है। सही बात है, बोलनी भी चाहिए।
अरे जाओ कैसे स्कूल में तो सीखेंगे नहीं और का सीखनी तो पड़ती है ना। सवेरे रात प्रोफेसर के थे गुड मॉर्निंग मैंने गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग कह रहा था अरे तो तुम तो सब जानती हो। हाँ मैंने कहा ऐसे स्कूल में रोज पढ़ने आ रहा है तो जाने जाने नहीं और का गुड मॉर्निंग सुबह की प्रणाम बोलते हैं तो बोलेंगे नहीं और यहाँ के भाषा में राम राम बोलते हैं राम राम साहब। हमने शिरडी से खरीदा था आप लोगों ने शायद देखा होगा नहीं देखा होगा तो आगे के ब्लॉग्स में आप लोग जरूर देख पाएंगे बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। दूसरी रंगोली की तैयारी चलते हुए और आदि बन गई है। आप लोग पूछ रहे थे किसने बनाया ये देखिए टैलेंटेड हाँ बहुत बारीकी चाहिए होती है इसको बनाने के लिए ये सब मैंने ही सिखाया है। हाँ हाँ मुझे कुछ आता था है सब तो आप ही से सीखा। ये दोस्तों मैंने 2 दिन पहले सिखाया आज बना रहे हैं है ना। अच्छा अच्छा सीख लिया है नाइस गुड स्टूडेंट ये क्या बनाया है क्या बनाया है ये ग्रीन वाले के बीच सफेद वाला तो बर्फी लग रही है बहुत ही बारीकी का काम है। अरे मिठाई के ऊपर जो है ये क्या डाला जा रहा है इलायची चीज तुम पिज़्ज़ा में ही लगी रहना पिज़्ज़ा से ऊपर मत उठ जाना कभी चीज बस पिज़्ज़ा तैयार है खा लो गर्मा गर्म खाने के लिए। शुभ लाभ भी लगा दिया है दरवाजे के ऊपर शुभ ओम और लाभ शुभ लाभ तीनों चीज़ें लग गई हैं। अब माला लगाने की बारी है माला लगाते हैं। रात हो गई है तैयारियां अभी ख़त्म नहीं पूजा से पहले सारे कार्य ख़त्म करके नहा धो के पूजा पर बैठना है। देखिए दोस्तों अब पानी के अंदर रंगोली बहुत ही मॉडर्न आर्ट है ये भी मैंने ही सिखाया है मॉडर्न आर्ट पानी के अंदर रंगोली डालो। ख़राब तो नहीं हुआ ना एक बार बता दीजिए ये अभी पूरा इसको पूरा करो कि अभी आधा अधूरा है पूरा जैसे सिखाया वैसे बनाओ। ओके तो मैं भूल गई इसके ऊपर क्या करना है इसके बाद इसके बाद ये रंगोली में और डालो कम लग रहा है अच्छा। पूरा पानी कवर हो जाना चाहिए देखा गलती पकड़ी गई येलो के अंदर पिंक देखा दोस्तों पकड़ लिया मैंने एक मेरा काम कर दो उसमें मैंने मोती रखे हुए हैं लेते हैं ये मोती वाली रंगोली मैंने नहीं सिखाई मैं नहीं करूँगा दोस्तों अब मैं चाह रहा हूँ यही सिखाया मैंने कौन सा आर्ट कहते हैं इसे मैं खुद भूल गया हूँ इसको कहते हैं प्लास्टिक कटिंग आर्ट। तो इस प्लास्टिक को वेस्ट कैसे करते हैं वो देखिए क्या हो रहा है ये तो मैंने नहीं सिखाया था नहीं नहीं ये भी तो आप ही सिखाए हैं आप भूल गए। इसको बनाने के लिए जो सामग्री चाहिए वो है चूड़ी उसके बाद माचिस की तिल्ली उसके बाद रंगोली और उसके बाद मेरे जैसा टैलेंट कि मैं सिखा सकूं दूसरों को और वो लोग ऐसे ऐसे बना सकें। और कुछ लोग एक्सपेरिमेंट में कभी कभी क्या होता है कि ऐसे ख़राब भी हो जाता है